إمام المرسلين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी स्नोबर लियाकत और वही मेरा प्रोग्राम स्नोबर का लजीज पकवान। और वही बात कि आपके लिए कोई अच्छी सी मीठी सी डिश बनाऊं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम हमेशा की तरह लाहौर ड्रीम रेस्टोरेंट टूटिंग में हैं और आपके लिए आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है खोपरे की फिरनी, जिसको आप कोकोनट फिरनी भी कह सकते हैं और खोपरे की फिरनी भी कह सकते हैं। ज़्यादा मॉडर्न लफ्ज़ इस्तेमाल करना है तो हम कहते हैं कोकोनट फिरनी। कोकोनट फिरनी का एक अपना अलग-अलग से डिफरेंट सा टेस्ट होता है और बहुत मज़े की बनती है। तो इसको बनाने में भी मैं ये कहूँगी कोई दुश्वारी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ ज़रा नापतोल का ख्याल रखिएगा कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ और कितनी देर में ये बनती है। तो नाज़रीन, इसके लिए सबसे पहले तो हमें दूध चाहिए होगा। आप इसके लिए जो दूध है अगर फुल क्रीम ले लें तो बहुत ही मज़े की बनेगी, और अगर रेड टॉप ले लें तो भी अच्छी बनेगी, लेकिन फुल क्रीम दूध रिकमेंडेड है। एक लीटर आप दूध ले लें, उसके साथ आपने लेने हैं कम से कम 8 टेबल स्पून ऑफ राइस पाउडर। राइस पाउडर जो है वो आप बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा जो है राइस पाउडर खुद चावलों को गीला करके फिर उनको खुश करके वो बनाती हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। जो बासमती चावल है उनको आप पहले गीला करके भिगो दें, जब वो बिल्कुल भीग जाए तो आप इनको ड्राई कर सकते हैं, ड्राई करके आप इनका पाउडर बना के रख सकते हैं। इसके साथ आपको पिस्ता बादाम चाहिए होगा, और साथ में नाज़रीन इसकी चीनी तो ज़ाहिर है, मीठा बनाने के लिए चीनी की ज़रूरत तो है, चीनी चाहिए होगी। और इसके अलावा आपको जो कोकोनट चाहिए होगा, डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है, कोकोनट का पाउडर जो है वो चाहिए होगा। नाज़रीन, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये कि अगर काश मुझे यहाँ पे मिट्टी की ठूठियाँ मिल जाएं तो उन ठूठियों के अंदर अगर मैं ये फिरनी जमा के आपके सामने पेश करूँ तो क्या ही बात है। वो बात की बात है, अभी शुरुआत की बात ये है कि हम बनाते हैं कोकोनट फिरनी। ये हम पहले थोड़ा सा दूध लेंगे, दूध लेके इसके अंदर हम डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेवल जो है टेबलस्पून ऑफ फिरनी का पाउडर ये इसके अंदर डलेगा, दूध के अंदर। ये दूध मैंने 1 लीटर दूध में से ही निकाला है, इसकी अच्छे से आप पेस्ट बना लें, बिल्कुल जो है ना गुठलियाँ नहीं बने बल्कि इसकी इस तरीके से पेस्ट बन जाए जी। तो नाज़रीन, अब हम बनाते हैं कोकोनट फिरनी। तो सबसे पहले तो पैन चूल्हे पे रखा, आग जलाई, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ दूध। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दूध, वो जो मैंने दूध और फिरनी के आटे की पेस्ट बनाई थी, अब मैं इसके अंदर दूध के अंदर वो डालूंगी। आप देखिए इस तरीके से आपने पेस्ट इसके अंदर डाल देनी है और इसको फिर जल्दी जल्दी हिलाना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने रहें। और कोशिश कीजिएगा कि अपनी जो फिरनी है मैं नॉन स्टिक पैन में बने और लकड़ी की जो ये डोई है इसके साथ बने। फिरनी जब आप बना रही हो ना तो आपको वहाँ से 1 मिनट भी नहीं हिल सकती है, क्योंकि ये फ़ौरन नीचे लगना शुरू हो जाएगी या इसके अंदर जो है गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। तो आप
जैसे जैसे फिरनी पकती जा रही है तो इसके अंदर आपने इलायची भी डालनी है, दाने भी डाल सकते हैं और साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। इसके कम से कम आप 10-12 दाने इस तरह डाल दें। और अब इसको मैंने पकाना शुरू किया हुआ है, इसको हिलाते रहें मुसलसल। आपने एक लम्हे की भी कोताही की तो आपकी फिरनी जल जाएगी या ख़राब हो जाएगी, तो इसको मुसलसल आप पकाएं और ख़ूब इसको गाढ़ा होने दें। ये देखें नाज़रीन, ये जो फिरनी है वो तकरीबन आधी पक चुकी है। जब ये आधी पक जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्पून ऑफ कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट के, और आपने इसको इस तरह हिलाना है। और आप देख रहे हैं कि जो फिरनी है वो पक भी रही है और गाढ़ी भी हो रही है, बहुत ही आता है। अब ये फिरनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है तो इसके अंदर हम डालेंगे पूरा एक प्याला चीनी का। फिरनी तकरीबन बनके तैयार हो गई है और अब हम इसको जमाएंगे। आप छोटी छोटी प्लेटों में भी जमा सकते हैं, डोंगे में भी जमा सकते हैं। कोकोनट पाउडर डालने के बाद अब इसको थोड़ा और गाढ़ा होने दें, इसको पकने दें, और उसके बाद आपकी फिरनी जो है इसके ऊपर फिर नाज़रीन हम पिस्ता बादाम डालेंगे और किशमिश डालेंगे। कोकोनट फिरनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। आप जब इसको पकाकर उतारें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ना ये बहुत पतली होनी चाहिए ना बहुत गाढ़ी होनी चाहिए, बल्कि इतनी होनी चाहिए कि आप जब प्लेट में डालें तो ये जम जाए। इसको ठंडा करके आप फ्रिज में रखें, ठंडा होने दें, और कभी भी गर्म ना रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर अगर आप ढक्कन लगाएंगे तो भाप आ जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से ठंडा करें, अच्छी तरह से इसकी प्रेजेंटेशन करें, इसके ऊपर पिस्ता बादाम और किशमिश डालें और ख़ुद भी खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। तो नाज़रीन, हम लाहौर ड्रीम रेस्टोरेंट टूटी का इस वक्त बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हमने आपके लिए कोकोनट फिरनी बनाई। हमेशा की तरह हम, मैं अपनी तरफ से भी और आप सब की तरफ से भी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते तक मैं आपके लिए इंशाल्लाह ताला कोई मज़े की बहुत अच्छी सी रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए मैं आपको खुदा हाफिज़ कहती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते।